हिमाचल दिवस के अवसर पर शिमला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक सादे समारोह में मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। काठ निरीक्षण के लिए हाजिर श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ध्वजारोहण के लिए यहाँ मंच पर पला गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करते हैं। आज 15 अप्रैल हिमाचल दिवस है। 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 16 एक्टिव केसेस है कोरोना वायरस पॉजिटिव के, और 16 पेशेंट्स अस्पताल में उपचाराधीन है। एक केस कल डिटेक्ट हुआ है, वो एक किस्म से कम्युनिटी ट्रांसमिशन से हुआ है। ये तबलीग जमात के संबंधित ऊना से हुआ है, और ऊना से ही कुल मिला के तबलीग जमात के 15 लोग संक्रमित हुए हैं। ये संक्रमण जो है हमने अपने आप डिटेक्ट किया है। जो कुटेड़ा मस्जिद के जो मौलवी के बेटा का CDR एनालिसिस किया, और जिन जिन से बात हुई उसका पता लगाया, और हमने जो GPS कोऑर्डिनेट्स का पता लगाया और पूछताछ की, और पता लगा कि 4 लोगों से संपर्क हुआ था, तो चारों लोगों का टेस्टिंग कराई। उनमें से 3 नेगेटिव आए, 1 पॉजिटिव आया। अगर ये सच्चाई पहले बता देते, पुलिस को इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़नी थी। तो इसलिए हमने FIRs दर्ज किए। 2 FIR में 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन भी लगाए हैं। और ये दुख की बात है कि इतना अनुरोध करने के उपरांत, वार्निंग देने के उपरांत, इस तरह की हरकतें जो है ये बेवकूफी भी है और एक मूर्खता भी है। इसलिए मैं आइंदा उम्मीद करता हूं कि कोई कर्फ्यू का वायलेशन ना करे, अपने घर के अंदर ही रहे, क्वारंटाइन सेंटर पर ही रहे, और जो भी नियम आपके लिए बताया गया उसका पालना करें। जो क्वारंटाइन सेंटर हो, होम क्वारंटाइन हो या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो, वहां से अगर जंप करते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह का धाराएं भी आपके ऊपर लग सकता है। और कुछ लोग कर्फ्यू पासस का वायलेशन कर रहे हैं, और कर्फ्यू का वायलेशन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मास्क भी नहीं पहन रहे। अब मास्क पहनना पब्लिक प्लेसेस में अनिवार्य है। आपके पास मास्क नहीं है तो आप होममेड मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने कांस्टेबल से लेकर ऑफिसरों को ऑथराइज किया है कि जो जो कानून का वायलेशन करते हैं या लॉकडाउन नॉर्म्स का वायलेशन करते हैं, उनका फोटोग्राफ लिया जाए, उनका वीडियो बनाया जाए, और उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाए।
इसलिए आप सबको आने वाले दिनों में सतर्क रहना है और जो भी आदेश है उसको कड़ाई से पालना करना है। और हमारे नॉलेज में आया है कि कुछ लोग तिकरी पहरा अपने आप कर रहे हैं, इसमें आपस में गांव में झगड़ा होने का भी संभावना है, इसलिए तिकरी पहरा करने के पहले पुलिस को सूचित करें या पुलिस से इजाजत लें। और जो भी आपको आपके पास सूचना है वो पुलिस को दे, कोई भी आदमी कानून अपने हाथ में ना ले और पुलिस ही कानूनी कार्रवाई करेगी। जो हमारे कॉन्स्टेबल्स से सड़क पे खड़े हैं वो पुलिस ऑफिसर है, उनको कानून को लागू करने का पूरा अधिकार है, इसलिए सूचना पुलिस को ही दे रहा हूं। और एक बात और हमारे नॉलेज में आया है कि जो ईएमआई पेमेंट का जो पोस्टपोनमेंट कराना है तो कई फ्रॉडस्टर्स आपको फोन कॉल करते हैं, ओटीपी मांगते हैं, ये जाल में ना फंसे। ईएमआई अगर एक्सटेंड करना है तो आप बैंक मैनेजर को ईमेल भेज दीजिए और वो आपको प्रोफॉर्मा भेजेंगे, उसको भर के आप बैंक को दे दीजिए, ये सही तरीका है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं, इसलिए कभी भी ओटीपी शेयर ना करें। एसबी अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट में कम से कम पैसा रखें और जो भी पेमेंट आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ये लिंक का या ऑनलाइन वेब पोर्टल का पूरी जांच कर ले और पूरा प्रिकॉशन ले ले। प्रधानमंत्री जी ने सप्तपदी के लिए आप सबका सहयोग मांगा है। घर में जो सीनियर सिटीजन्स है उनका इम्यूनिटी का खास ख्याल रखा जाए, उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसी तरह पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहने, लॉकडाउन का नॉर्म्स को पालना करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और आयुष मंत्रालय के जो सजेशंस है इम्यूनिटी बढ़ाने के बारे में उसका पालना करें। गरीबों का मदद करें और अगर आप एम्प्लॉयर है तो इस हालात में किसी को भी नौकरी से ना निकालें। और इस वक्त कार्यरत डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, पुलिस और होमगार्ड्स को सम्मान करें, उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना करें। हम सबका दायित्व है इस अनुरोध का हम कड़ाई से पालना करें। और मैं कहना चाहता हूं कि समाज का कुछ सेवा करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है। इसके पहले मैंने कहा था कि मेरे कुछ मित्र जो है रिटायरमेंट के बाद योगा सीख के योगा सिखाने लगे हैं और जिंदगी में सब कुछ संभव है। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम 78 साल के थे, अक्षरधाम के स्वामी जी ने उनसे पूछा कि इस उम्र में आप इतना एक्टिव कैसे रहे। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि मैं कभी अपने बारे में नहीं सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि समाज के बारे में, मैं सोचता हूं कि बच्चों को मैं क्या नई बातें बता दूं, मैं सोचता हूं कि किसानों का आय कैसे बढ़ाऊं, मैं सोचता हूं कि देश का इकोनॉमी को इंप्रूवमेंट कैसे करूं, मैं क्या समाज के लिए योगदान कर सकूं। ये कॉन्स्टेंट थिंकिंग और मेरा जो एक्टिविटीज की वजह से मैं हमेशा एनर्जेटिक रहता हूं। हम सबको पता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम किस हालात में शरीर त्याग किया था। वे सिविल सोसाइटी को एड्रेस कर रहे थे, लगातार एक बिजी लाइफ उन्होंने लीड किया है। शिमला में भी आए थे, यहां पे भी गेयटी थिएटर में सिविल सोसाइटी को एड्रेस किया था। दूसरा एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है सर एम विश्वेश्वरैया का। सर एम विश्वेश्वरैया ने, ये ग्रेट महान इंजीनियर थे और इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ दिया है और हमेशा अपना सैलरी हो या पेंशन हो सिर्फ 30% लेते थे, 70% गरीबों को और अन्य लोगों को, स्टूडेंट्स को मदद के लिए देते थे। ये हाईली डिसिप्लिन्ड आदमी थे। इनके जेब में दो पेन होते थे, एक सरकारी पेन और एक अपना पर्सनल पेन। विश्वेश्वरैया ने कभी भी सरकारी पेन से एक पर्सनल लेटर नहीं लिखा है, ये उनका लेवल ऑफ इंटीग्रिटी है। उनका जो बर्थ सेंटिनरी सेलिब्रेशन के लिए उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बेंगलुरु गए थे, जब ये 101st ईयर के थे,
और डेथ बेड करते हैं। तो किस उनके एक दोस्त ने कहा है कि वो मद्रास जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, वहां से क्या लेके आना है। विश्वेश्वरय ने कहा है कि लेटेस्ट एडिशन ऑफ ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी मद्रास के बुक स्टोर में आया है, मुझे उसका एक कॉपी चाहिए। वो कॉपी लेके आए थे, तब तक उन्होंने शरीर त्याग किया था। इससे हमें सीखने के लिए यह मिलता है कि गरीबों का सेवा करें, दूसरों को मदद करें, दूसरी बात अपना लाइफ में एक डिसिप्लिन बना के रखें, और तीसरी बात जो समाज सेवा के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। विश्वेश्वरैया एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान थे, आखिरी क्षण तक शरीर त्याग करने तक वो समाज सेवा करना चाहते थे। ये बातें इनसे हमें सीखना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।